मूवी स्टार्ट होती है 1945 से, जहाँ पर हम एक जहाज में बहुत सारे अमेरिकन सोल्जर्स को देखते हैं। ये सब लोग बहुत खुश लग रहे थे क्योंकि बर्लिन को वापस ले लिया गया था और नाजी सोल्जर ने भी गिव अप कर दिया था। अब ये सब लोग सेलिब्रेट कर रहे थे कि इनको पता चलता है कि नाजीज ने अपना एक स्पेशल मिसाइल रेडी किया है जिसका टारगेट था अमेरिका। अब इसके बाद इनको फॉरन ऑर्डर दिया जाता है कि अब नाजीज की सीक्रेट बेस को ढूंढ कर इस मिसाइल को डिस्ट्रॉय किया जाए। यहाँ पर सारे अमेरिकन सोल्जर्स को लीड करने वाला कोई और नहीं बल्कि कैप्टन अमेरिका था। जिसके बाद कैप्टन अमेरिका बाकी सारे अमेरिकन सोल्जर्स के साथ इस सीक्रेट नाजी बेस पर पहुंच जाता है, जहाँ पर ये सब लोग बाकी सारे नाजीज को पकड़ लेते हैं। पर एंड के ऊपर ये मिसाइल लॉन्च हो ही जाता है, जिसके बाद कैप्टन अमेरिका उसे रोकने के लिए उस मिसाइल के ऊपर चढ़ जाता है और किसी तरीके से हवा में ही इस मिसाइल को ब्लास्ट कर देता है। पर इस ब्लास्ट का एक्सप्लोजन इतना ज्यादा था कि कैप्टन अमेरिका पानी में गिर जाता है, जिसके बाद सबको लगता है कि कैप्टन अमेरिका की डेथ हो गई है और ऐसे ही काफी साल गुजर जाते हैं। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है 60 इयर्स के बाद का, जहां पर हम शील्ड के डायरेक्टर निक फ्यूरी को देखते हैं, जिसके पास बहुत ही ज्यादा मॉडर्न इक्विपमेंट था और इसे पता चलता है कि कैप्टन अमेरिका की बॉडी पानी के नीचे जमी हुई है। जिसके बाद वो अपनी टीम को भेजता है और कैप्टन अमेरिका को वहां से बाहर निकालता है। निक फ्यूरी जब कैप्टन अमेरिका को अपने पास लेकर आता है तो अपने ही मॉडर्न इक्विपमेंट से इसको दोबारा से ठीक कर देता है। अब हमें पता चलता है कि दूसरी तरफ डॉक्टर हल्क भी यहाँ पर काम कर रहा है। डॉक्टर ब्रूस बैनर यानी के हल्क अब शील्ड के लिए ही काम करता था, पर उसे बताया गया था कि एक सीरम तैयार करे जो कि सारे सोल्जर्स को बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देगा। इसके साथ ही शील्ड का डायरेक्टर निक फ्यूरी एक सैटेलाइट को आसमान पे भेजता है ताकि एलियंस की तीन शिप को डिस्ट्रॉय कर सके या एटलीस्ट कुछ इन्फॉर्मेशन लेकर आए। पर जब यह आसमान पर जाती है तो वही एलियन शिप इनकी सैटेलाइट को तबाह कर देती है। जिसके बाद निक फ्यूरी को अब आइडिया होता है कि उसे एवेंजर्स की एक टीम को बनाना पड़ेगा। इसी के साथ फ्यूरी कैप्टन अमेरिका के साथ मिलकर एक एक सुपर हीरो को इकट्ठा करने लगते हैं। सबसे पहले ये लोग थॉर के पास जाते हैं, बट वो इनकी ऑफर को डिक्लाइन कर देता है और कहता है कि मैं एनवायरमेंटलिस्ट बनकर रहना चाहता हूँ और मैं ऐसी किसी चीज में पार्ट नहीं लूंगा। जिसके बाद ये लोग जाते हैं आयरन मैन के पास, जायंट मैन के पास, वास्प और ब्लैक विडो के पास, जो कि रेडी हो जाते हैं इनको ज्वाइन करने के लिए। अब नेक्स्ट डे ही इन सब की एक मीटिंग बुलाई जाती है, जहां पर फ्यूरी इन सब को बताता है एलियंस के बारे में, जिनका नाम चिटोरी था, और वो बताता है कि कैसे ये आहिस्ता आहिस्ता जमीन के ऊपर हमला करने वाले हैं और इनका मिशन यही था कि इन एलियंस को रोका जाए। दूसरी तरफ हम दोबारा से ब्रूस बैनर को देखते हैं, जिसको बहुत ज्यादा परेशानी थी कि वो हल्क में ट्रांसफॉर्म ना हो, क्योंकि वो जब भी हल्क में चेंज होता था तो हर तरफ तबाही मचाने लगता था। उसे अपने सामने वाले इंसान की पहचान ही नहीं रहती थी, जिसकी वजह से वो हल्क में चेंज नहीं होना चाहता था। निक फ्यूरी इन एवेंजर टीम को बताता है कि हमारी शील्ड फैसिलिटी को ब्रीच कर लिया गया है, एक चिटोरी स्पाई हमारे बीच में है जो कि सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है और वापस अपने प्लेनेट पर चला जाएगा, जिसके बाद अब अर्थ पर आना इनके लिए बहुत आसान हो जाएगा, तो उस स्पाई को पकड़ना बहुत जरूरी है। जिसके बाद इनका पहला मिशन यही था और इन सब को लीड करने वाला कैप्टन अमेरिका ही था, पर यहाँ पर बाकी सारे लोग कैप्टन अमेरिका की कोई बात ही नहीं सुनते और इसका कोई ऑर्डर फॉलो ही नहीं करते। सबकी ईगोज इतनी थी कि हर कोई अपनी मर्जी कर रहा था। इस सब की वजह से वो स्पाई इनकी सारी इन्फॉर्मेशन लेकर वापस चला जाता है और इनका पहला मिशन ही फेल हो जाता है। अब निक फ्यूरी को इन सारे एवेंजर्स पर बहुत गुस्सा आता है और वो इन सबको बहुत ज्यादा डांटता है कि तुम लोगों ने कोई भी ऑर्डर फॉलो नहीं किया और वो एलियन यहाँ से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके चला गया है। अब इसके बाद एक एक करके सारे एवेंजर्स छोड़ के चले जाते हैं। एंड पर तो कैप्टन अमेरिका जो कि स्टीव रॉजर था और फ्यूरी के साथ काम कर रहा था, उसने भी उसको छोड़ने का प्लान कर लिया और बताया कि मैं अभी रेडी नहीं कि किसी भी एलियन से लड़ सकूं। इन सब के जाने के बाद निक फ्यूरी तो बिल्कुल अकेला हो गया था, जिसके बाद वो ब्रूस बैनर के पास जाकर उस सुपर सोल्जर सीरम के बारे में पूछता है, क्योंकि अब वो चाहता था कि बाकी सारे जितने भी उसके पास सोल्जर्स हैं उनको वो सीरम दे और वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो
जाए ताकि कल को कोई भी एलियन यहाँ पर आए तो लड़ने के लिए उसके पास कोई तो आर्मी हो। बट यहाँ पर उसे पता चलता है कि ब्रूस बैनर ने ऐसा कोई सीरम नहीं बनाया, बल्कि वो तो अपने लिए ही एक अलग सीरम बना रहा था। ये सीरम सिर्फ इसलिए था ताकि वो हल्क को कंट्रोल कर सके, यानी कि जब वो हल्क में चेंज हो तो वो खुद पे कंट्रोल रख सके और उसे आसपास की सारी नॉलेज हो कि वो क्या कर रहा है और उसके सामने कौन है। अब इसके बाद तो निक फ्यूरी को बहुत गुस्सा आता है और वो ब्रूस बैनर को बहुत ज्यादा डांटता भी है, जिसके बाद वो फौरन एक चैम्बर में जाता है और वो सीरम खुद में इंजेक्ट कर लेता है, जिसके साथ वो फौरन ही हल्क में चेंज हो जाता है। बट यहाँ पर पता चलता है कि वो अब हर चीज को कंट्रोल कर सकता है और हल्क उसके कंट्रोल में ही है। दूसरी तरफ उस पाई के जाने के कुछ देर के बाद ही चिटोरी एलियंस ने अर्थ पर हमला कर दिया था और एक एक करके तबाही मचाने लगा था। अब यहाँ पर निक फ्यूरी के पास और कोई ऑप्शन नहीं थी, वो और ब्लैक विडो मिलकर इनसे लड़ने लगते हैं। बट हम देखते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके सारे एवेंजर्स यहाँ पर आने लगते हैं, यहाँ तक कि भी थॉर उनके साथ था। ये सब मिलकर एक टीम में ही उन एलियंस से बहुत अच्छे तरीके से लड़ते हैं। बाकी सारे एलियंस के लिए तो हल्क ही काफी था और जो उनकी शिप्स थी उनको तो थॉर बिल्कुल ओशन में तबाह कर देता है। अब ये सारे एलियंस तो मर जाते हैं, बट आहिस्ता आहिस्ता हल्क का कंट्रोल खुद पर से खत्म हो जाता है और वो एक के बाद एक करके एवेंजर से ही लड़ने लगता है। वो बहुत ही बच्चों जैसी हरकतें कर रहा था और उससे अपने आप को कंट्रोल नहीं किया जा रहा था। हल्क इतना ज्यादा स्ट्रांग था कि उसने तो जायंट मैन को भी पूरे तरीके से गिरा दिया था और आयरन मैन के सूट को भी तबाह कर दिया था, यहाँ तक कि थॉर के हैमर को भी उसने बहुत इजीली उठा लिया था। यहाँ पर एक बार फिर से सारे एवेंजर्स एक साथ मिलकर प्लान बनाते हैं कि उसी सीरम को अब हल्क में इंजेक्ट करना होगा, जिसके बाद ये लोग ऐसा ही करते हैं। एक टीम की तरह ये हल्क को बहुत ही मुश्किलों से रिलैक्स करते हैं और वो सीरम उसे लगा देते हैं, जिसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता दोबारा से डॉक्टर ब्रूस बैनर में चेंज हो जाता है। अब इसके बाद ये तो जो गलती वो कर चुका था उसकी पनिशमेंट तो उसे मिल नहीं थी। निक फ्यूरी उसे एक अनब्रेकेबल केज में बंद कर देता है, जहां पर दूसरी तरफ सारे एवेंजर्स इन चिटोरी एलियन से लड़कर जीतने के बाद सेलिब्रेट कर रहे थे। इसके साथ ही ये मूवी एंड हो जाती है।